छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता का मुद्दा एक बार फिर गर्म है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट में बेरोजगारों को 2500 रुपए भत्ता देने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इसे लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। बेरोजगारों की संख्या से लेकर बेरोजगारी की पात्रता तक हर मुद्दे पर क्यों हो रही है सियासत? आखिर कौन होगा बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र? देखिए ये रिपोर्ट। किसे मिलेगा बेरोजगारी भत्ता? परिवार की आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा ना हो, आवेदक का 18 से 35 वर्ष के बीच होना जरूरी, बेरोजगारी भत्ता के लिए 12वीं पास जरूरी, अनिवार्य रूप से 2 वर्ष पुराना रोजगार पंजीयन हो, एक परिवार से एक व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, आवेदक के परिवार में सरकारी नौकरी ना हो चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर, पूर्व वर्तमान जनप्रतिनिधियों के परिवार के सदस्य को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा, मंत्री विधायक के परिवार के सदस्यों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा, पार्षदों और जिला पंचायत के सदस्यों को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा, 10,000 रुपए से ज्यादा पेंशन भोगी परिवार को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा, इंजीनियर डॉक्टर सीए वकील के परिवार के सदस्यों को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ में यूं तो 18 लाख से अधिक बेरोजगार हैं, लेकिन अब बेरोजगारी भत्ते के ऐलान के बाद बेरोजगारों की संख्या को लेकर प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। दरअसल राज्य सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देने के लिए पात्रता की सूची जारी की है, इस पर जमकर सियासत हो रही है। विपक्ष का दावा है कि राज्य सरकार ने ऐसे नियम बनाए हैं जिससे लाखों की संख्या में बेरोजगार युवा कट जाएंगे, गिने चुने लोगों को ही बेरोजगारी भत्ते की पात्रता मिल पाएगी, जबकि सरकार का दावा है कि बेरोजगारों से आवेदन मंगाए जाएंगे, पात्रता के अनुसार बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, जो पात्र हितग्राही होंगे उन्हें भत्ता जरूर मिलेगा। एक तरफ तो बड़ी बड़ी बात जन घोषणा पत्र में किया, 10 लाख लोगों के लिए इन्होंने कहा कि 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज जब सरकार का आखिरी 6 महीना यानी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, 2-3-4 महीने में बारिश आ जाएगा, फिर आचार संहिता आ जाएगा, इस अवसर में भी इन लोगों ने जो कैटेगरी तय किया है उस कैटेगरी के अनुसार 50,000-60,000 से ज़्यादा लोग उस कैटेगरी में नहीं आते। 2 साल के लिए देने के लिए इतने सारे मापदंड स्थापित किए गए हैं कि 10 लाख बेरोजगारों के साथ छल किया गया है कि 2,500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे, और इसके लिए भी पूरे प्रदेश में आक्रोश है। मैं यही तो बता रहा हूँ, बेरोजगारी भत्ता के लिए हम आवेदन लेंगे, यही हमने कहा, हमने क्राइटेरिया सेट किया है, हमने कहा है कि उसमें आप आय का मापदंड रखा है, हमने उसमें उम्र का मापदंड रखा है, हमने उसमें सरकारी नौकरियों का मापदंड रखा है, कोई भी जो उस आय की सीमा से और उससे अंदर में रहेगा हम सब उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे, यही हमने बनाया है। राज्य सरकार ने चुनावी साल में भत्ते का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन कितने लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा यह सामने नहीं आया है, लिहाजा तमाम दाव पेच के बाद यह बताना मुश्किल होगा कि इस घोषणा का सत्ता पक्ष को कितना लाभ मिलेगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।